प्रधानमंत्री ने इंदौर में वैश्विक निवेशक सम्मेलन को किया संबोधित, कहा भारत देशी विदेशी निवेशकों की बन रहा है पहली पसंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से बढ़ा है देश में निवेशकों का विश्वास, आ रहे हैं नए निवेश के प्रस्ताव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा देश में पहली बार स्पेस और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी निवेशकों के लिए निवेश के वास्ते खोला गया है। बिहार में जातिगत जनगणना के खिलाफ याचिका हुई मंजूर, 20 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, बिहार सरकार के संवैधानिक अधिकार पर होगी बहस। दुनिया के सबसे बड़े गंगा विलास क्रूज की शुरुआत को लेकर वाराणसी में छाया उत्साह, अपनी तरह की अनूठी पहल को लेकर पर्यटक और श्रद्धालु हैं उत्साहित। वाराणसी में गंगा किनारे उभर रही टेंट सिटी बनी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र, आधुनिक सुविधाओं से लैस 250 कॉटेज वाली टेंट सिटी का प्रधानमंत्री 13 जनवरी को करेंगे उद्घाटन। स्वामी विवेकानंद जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के हुबली में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का करेंगे उद्घाटन, युवाओं में होगा नई ऊर्जा का संचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को देर शाम गोरखपुर का किया औचक दौरा, गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेले की तैयारियों का लिया जायजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में खिचड़ी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रैन बसेरों, कंबल, बिस्तर और अलाव जैसी सुविधाएं जुटाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली बकाए वाले किसानों के बिजली कनेक्शन न काटे जाने के दिए निर्देश, कहा छुट्टा जानवरों की समस्या भी होगी दूर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी की विकास परियोजनाओं की समीक्षा, कहा तेजी से पूरी की जाएं अधूरी परियोजनाएं। प्रयागराज के माघ मेले में तुलसी कथा रघुनाथ की प्रदर्शनी बनी श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों के आकर्षण का केंद्र, भगवान राम के जीवन दर्शन की मिल रही है झलक। प्रयागराज के माघ मेले में गंगा समग्र अभियान की हुई शुरुआत, साधु संतों के साथ ही आम लोगों ने भी मां गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने की ली शपथ। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उत्तर प्रदेश को निवेश के लिए अनुकूल प्रदेश बताया, कहा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में निवेश की बढ़ी हैं अपार संभावनाएं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गंगा विलास क्रूज की शुरुआत को प्रदेश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया, कहा इससे प्रदेश में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। प्रदेश के अधिकांश भागों में ठंड का कहर जारी, मौसम विभाग के अनुसार तापमान में बढ़ोतरी के साथ कल से मिल सकती है ठंड से कुछ राहत। ठंड और घने कोहरे के कारण प्रदेश में सड़क, रेल और वायु यातायात हुआ प्रभावित, रेलगाड़ियां और वायुयान चल रहे हैं विलंब से, बसों का रात्रि संचालन हुआ बंद। प्रदेश में भीषण ठंड को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों और बुजुर्गों से सतर्क रहने की अपील की, कहा गर्म कपड़े पहने और सवेरे शाम खुले में और बाहर निकलने से करें परहेज। उत्तराखंड के जोशी मठ में भू धसाव से प्रभावित असुरक्षित मकानों को खाली कराने की प्रक्रिया हुई तेज, 131 परिवारों के 462 सदस्यों को किया गया विस्थापित। आज से ओडिशा में पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की हुई शुरुआत, कटक के बारामती स्टेडियम में होगा उद्घाटन समारोह, 13 जनवरी को भारत और स्पेन के बीच होगा पहला मुकाबला।